आज अपने सेकंड क्लास में, तो पहला क्लास में जो पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लो। सबसे पहले हायर परचेज एग्रीमेंट होता क्या है? अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट देयर इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन द हायर वेंडर एंड हायर परचेजर, जहाँ पर परचेजर एक इंस्टॉलमेंट देने के लिए एग्री करता है फॉर ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, एंड दैट इंस्टॉलमेंट इज़ टू बी रिगार्डेड एज और कंसिडर्ड एज वॉट, रेंट। रेंट माना जाता है। ownership of the property in goods will pass from the vendor to the मतलब हायर परचेजर ओनली आफ्टर क्लियरिंग ऑल द ड्यूज। सारा इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही ownership ट्रांसफर होता है। अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट द वेंडर हैव द राइट्स टू रिकूप द और रिपॉजेस द गुड्स, यानी कि गुड्स को रिपॉजेस करने का राइट्स या पावर हायर वेंडर के पास होता है अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट। अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ये पॉसिबल नहीं है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो गुड्स को रिपॉजेस कर सके। केवल और केवल वो कोर्ट में अपना मामला रखेगा फॉर द रिकूपमेंट, फॉर द रिकवरी ऑफ द ड्यूज। तो आउटस्टैंडिंग कलेक्शन के लिए वो अपना पॉइंट रख सकता है, बट एक्चुअली वो गुड्स को रिकूप नहीं कर सकता। अपने बेसिक इंट्रिक ये थे। एक है सिंपल कैश प्राइस मेथड। अंडर कैश प्राइस मेथड में क्या होता है, अपने इंसिडेंट और इवेंट याद होना चाहिए, टाइमलाइन याद होना चाहिए। चैप्टर का लोग बोलते हैं कि मुझे सम्स याद होना चाहिए, नहीं, आपको टाइमलाइन याद होना चाहिए कि कब क्या क्या घटना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यदि अपने बात करें तो पहला डे वन में घटना ये होता है कि अपने सबसे पहले जाकर एसेट्स को पसंद करते हैं, करने के बाद खरीदते हैं, तो सबसे पहले उसका कैश प्राइस से हम लोग खरीदने का एंट्री करेंगे। नंबर टू, डाउन पेमेंट देते हैं, एक साइनिंग अमाउंट होता है। जब आप कभी भी कोई भी एसेट्स खरीदते हो तो एट द टाइम ऑफ परचेज आपको एक साइनिंग अमाउंट देना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट देने के बाद जो रेस्ट ऑफ द बैलेंस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होता है, उस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग को इंस्टॉलमेंट में तोड़ दिया जाता है। कई सारे इंस्टॉलमेंट बना दिए जाते हैं और इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करने के बाद टुगेदर विथ इंटरेस्ट अपने उसको चुकाते रहते हैं। समझ में आ रहा है बात? ईयर एंड जब आता है, यानी कि जब ट्रांजैक्शन होता है, उस दिन ये तीन एंट्री आपको ध्यान रखना है। क्या? एसेट्स एक्वायर करने का एंट्री, नंबर टू डाउन पेमेंट करने का एंट्री, और तो कुछ नहीं होता, दो एंट्री ध्यान रखना है। ईयर एंड जब आता है तो उस समय आपको इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री, मतलब इंटरेस्ट जो सामने वाला आपसे चार्ज करेगा, मतलब इंटरेस्ट एक्रूड होने का एंट्री, इंस्टॉलमेंट पे करने का एंट्री, डेप्रिशिएशन चार्ज करने का एंट्री, और इंटरेस्ट एंड डेप्रिशिएशन को ट्रांसफ़र करने का एंट्री। ठीक है, ये एंट्रीज होता है इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। साथ ही साथ यदि इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड हम लोग फॉलो करते हैं तो हायर परचेजर की बुक में इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले अपने एसेट्स खरीदने का एंट्री करेंगे, पूरा इंटरेस्ट जो लगेगा लाइफ टाइम में, वो सारा इंटरेस्ट लाइफ टाइम इंटरेस्ट एक साथ हम लोग एंट्री करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट करके, और हायर वेंडर को क्रेडिटर बना लेते हैं। इसके बाद अपने आते हैं कि डाउन पेमेंट, इसमें शुरू में तीन एंट्री हो जाता है, तो तीसरा एंट्री डाउन पेमेंट करने का होता है। फिर ईयर एंड में एक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री होता है, जो कि इंटरेस्ट सस्पेंस को कैंसिल करके इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं, वो होता है आपका फोर्थ नंबर एंट्री। फिफ्थ नंबर एंट्री वही होगा इंस्टॉलमेंट पे करने का एंट्री। सिक्स नंबर एंट्री होगा दैट इज़ फॉर द डेप्रिशिएशन का। फिर सेवन्थ नंबर आपका ट्रांसफ़र करना होगा डेप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट को। तो यही एंट्रीज टोटल होता है आपका ऑल टुगेदर। इन द बुक्स ऑफ वेंडर, वेंडर के लिए वो गुड्स होता है, इसीलिए इन द बुक्स ऑफ वेंडर इवन दो वो लीगल ओनर होता है, बट एसेट्स कभी भी उसके बुक्स में नहीं आएगा, वो गुड्स होता है क्योंकि उसका ये बिजनेस है। तो वेंडर अपने बुक्स में क्या करता है, गुड्स जब सेल करता है हायर परचेस सिस्टम में, तो वो हायर परचेज सेल्स को अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करता है। नॉर्मली क्रेडिट सेल्स का जो एंट्री होता है वही किया जाता है। क्रेडिट सेल्स करते हैं तो एंट्री होता है डेटर्स टू सेल्स, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि ये हमारा ऑर्डिनरी सेल्स नहीं है, इसलिए इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट अपने क्या करते हैं,
हायर परचेजर को ऑडिटर बनाते हैं और एचपी सेल्स लिखते हैं, हायर परचेज सेल्स है ये सेल्स ही हमारा, बट इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट विद द अदर सेल्स अपने यहाँ पर एचपी सेल्स वर्ड लिखते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है डाउन पेमेंट मिलता है, उसके बाद इंटरेस्ट एक्रूड होता है, इंटरेस्ट अपने उसके बाद इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट को आप ट्रांसफ़र कर दोगे पीएनएल में लास्ट में, बस सो ऑन ये होता रहेगा, ये हर साल ये एंट्री होता रहता है। नेक्स्ट है कि यदि हमारा गुड्स डिफॉल्ट हो जाता है, और डिफॉल्ट से भी पहले हम लोग यदि सोचे तो कैश प्राइस कैसे निकलेगा, वो क्वेश्चन में मिसिंग कर देगा आपको कि कैश प्राइस वॉज नॉट गिवन, तो आपको कैश प्राइस निकालना पड़ेगा। और कैश प्राइस के लिए अपने वेरियस सिचुएशंस विजुअलाइज कर सकते हैं कि भाई इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे दिया, रेट दे दिया, और आपको बोलता है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बता दिया, रेट बोल दिया, ये दो चीज़ दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट एंड रेट, ठीक है, बट प्रिंसिपल नहीं बोल रहा, प्रिंसिपल बोलता तो उस केस में आप आराम से निकाल देते। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ कि टोटल इंस्टॉलमेंट तीन होगा, 1, 2 and 3, एंड इंस्टॉलमेंट बोल दिया कि पहला इंस्टॉलमेंट से फॉर एग्जाम्पल होगा 350,000 का, सॉरी ज़्यादा हो गया, कमती रखते हैं, 120,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज 90,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 105,000, ऐसा कुछ दे दिया, इंस्टॉलमेंट अलग अलग बता रहा। अब बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो आपने, आपको यहाँ पर कैश प्राइज वॉज मिसिंग, और डाउन पेमेंट भी अलग से बोल दिया है, डाउन पेमेंट इज से 50,000, तो डाउन पेमेंट यदि 50,000 है तो अब आपको इसमें यदि निकालना पड़े कि कैश प्राइस क्या है, तो आप आई थिंक आप टीवीएम जानते होंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड बाय यूजिंग द टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट यूज़ करके आप इजीली प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि जो प्रेजेंट वैल्यू इज़ व्हाट, उसमें से इंटरेस्ट एलिमेंट ही तो हटा रहे हो, तो सिंपली जो फ्यूचर कैश फ्लोज है दैट इज डिवाइडेड बाय व्हाट द डिस्काउंटिंग फैक्टर, एंड दैट इज डिस्काउंटिंग फैक्टर यू कैन कैलकुलेट 1+r^n, तो 1+r^n से डिवाइड करेंगे तो वो आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मैथ्स किए हैं फाउंडेशन में, और मैथ्स में आपने टीवीएम जोरदार पढ़ा है, और इतना ही नहीं अभी तो एफएम में भी आपको उसका भरपूर यूज़ है। टीवीएम एक ऐसा सब्जेक्ट मतलब चैप्टर है जो बहुत काम आने वाला है, वो अच्छा किया कि फाउंडेशन लेवल से ही ले आया, बहुत पहले फाउंडेशन लेवल पर टीवीएम नहीं था जो कि इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये अच्छा पार्ट है इंस्टीट्यूट का। टीवीएम सबसे ज़्यादा फिनांस में यूज़ होता है, हमेशा आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ करते हो कि आज कल ये रुपया मिलेगा तो उसका आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ करके आप कैश प्राइस निकाल सकते हो। देखिए कितना जन निकाल पाता है, एक बार कैश प्राइस टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेटर चलाकर बता दीजिए मुझे कि आपका, देखें टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर कितना स्ट्रांग है, 3,12,500, 360, अच्छा 360 कोई बोल रहा है, कोई 358 बोल रहा है, कोई 312,500 बोल रहा है, तो थोड़ा बहुत का वेरिएशन हो जा रहा है, 140 रुपये से लेके 200 रुपये तक का वेरिएशन लोग बोल रहे हैं, और कुछ लोग 2 रुपये का वेरिएशन बोल रहे हैं। कैश प्राइस 312,360 आया, जानते क्या किए जो लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी से निकाले, तो उन्होंने सिंपल कैश प्राइस यहाँ पर, आपको पता है मुझे नहीं सिखाना चाहिए बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कैश प्राइस इज इक्वल टू 120,000 डिवाइडेड बाय, ये फर्स्ट ईयर के एंड में रुपया आपको देना है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू होगा 1+r मतलब 1.1 टू द पावर n, मतलब फर्स्ट ईयर का पावर है 1।
प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय आपका कितना 1.1 टू दी पावर क्या 2 प्लस 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू दी पावर क्यूब प्लस डाउन पेमेंट, क्योंकि वो तो जीरोथ पीरियड ऑफ टाइम पर है, उसका तो प्रेजेंट वैल्यू भी वही है ना डाउन पेमेंट का, वो तो जीरोथ पीरियड ऑफ टाइम पर है तो उसका पीबी भी वही है, तो 50,000 ये सॉल्व करके आया था ना, 312 359 359, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोगों ने ही निकाला है, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ आपको। बट आपको यदि बोलेगा नॉट यूजिंग टीवीएम मेथड, आपको यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अप्रोच नहीं लगाना, तो अब आप बताएंगे कि क्या अप्रोच इसे सॉल्व होगा। हाँ जी, नहीं सब बोल दिया, 1,20,000 दे रहे हैं और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतना ही इन्फॉर्मेशन है आपका, इन्फॉर्मेशन है 1,20,000 फर्स्ट ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 90,000 अपने सेकेंड ईयर के एंड में दे रहे हैं और 1,05,000 थर्ड ईयर के एंड में दे रहे हैं। तो क्या कोई रास्ता है विदाउट यूजिंग टीवीएम आप निकाल पाओ? ये 110% है, ठीक है, तो उसे निकल सकता है। चलिए एक रास्ता मिल रहा है यहाँ से, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। और कोई सुपर ब्रेन? मेरे सुपर ब्रेन लोग चुप क्यों हो, बोलो, सुपर कंप्यूटर। चलिए सबसे पहले तो आप एग्जांपल लिखिए और हेडिंग होगा आपका कैश प्राइस ऑफ HP assets, cash price of higher purchase assets. पहले example कर रहे हम लोग, cash price of HP assets, higher purchase assets का cash price निकालना है। और हम लोग केस वन कर रहे हैं where details of इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, वेयर डिटेल्स ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। एग्जाम्पल अभी यहां पर अब लिखेंगे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में लिखेंगे फर्स्ट ईयर एंड, ये इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट्स फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एंड एंड थर्ड ईयर एंड रुपीज 1,20,090 एंड 1,05,000, आर इज इक्वल टू 10% एंड डाउन पेमेंट आप पूरा लिखेंगे, डाउन पेमेंट इज 50,000, डीपी मतलब आप गलत ले लेंगे, डिस्प्ले पिक्चर पे दिमाग ज्यादा जाता, तो डाउन पेमेंट 50,000 सिर्फ डाउन पेमेंट। उसके नीचे लिखेंगे यूजिंग टीवीएम, उसके नीचे आप सॉल्यूशन लिख रहे हैं, आप सॉल्यूशन यूजिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी using TVM, using TVM, तो आप पहले फॉर्मूला लिखोगे कैश प्राइस इज इक्वल टू, कैश प्राइस इज इक्वल टू DP डाउन पेमेंट प्लस CF1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर n प्लस CF2
डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन एंड सो ऑन, उसके नीचे आप ये सॉल्व कर रहे हैं, उसके नीचे आप ये वाला लिख रहे हो क्या? 1 लाख, पहले 50,000 फॉर्मूला के हिसाब से बैठाओगे, पहले 50,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1.1 टू द पावर 1,90,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर 2 प्लस 1,05,000 डिवाइडेड बाय 1.1 टू द पावर क्यूब। सॉल्व करके आंसर आपने लिख दिया 312,359। ठीक है, राइट साइड में सॉल्यूशन चल रहा है, राइट साइड में सॉल्यूशन है, मतलब ये वाला नहीं। अब व्हेन देयर इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूजिंग टीवीएम, हेडिंग डालिए व्हेन देयर इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूजिंग टीवीएम। एंड आपको एक चीज बता दूं, एग्जाम में टीवीएम यूज नहीं करना है, जनरली अकाउंट्स के एग्जाम में टीवीएम यूज नहीं करना है, तो ये भी कंफर्म रखिएगा कि यू डू नॉट यूज टीवीएम अंटिल अनलेस आपको क्लियरली बोल दिया यू मे यूज टीवीएम, तो टीवीएम यूज नहीं करना, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आपका हैबिट होगा और टीवीएम मार के आप कैलकुलेटर में आंसर लिख दोगे। अगला भी बाय डिफॉल्ट आपका ये जो टेबल के लिए मार्क्स होगा वो भी वो कैलकुलेटर में ही देके छोड़ देगा, रिमार्क्स लिखेगा और बोलेगा अगला प्रेजेंट नहीं किया, मैंने मार्क्स नहीं दिया। तो दैट्स वाई अब आप लिखेंगे आगे व्हेन देयर वर रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूजिंग TVM, ठीक है, तब आप टेबल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? टेबल। टेबल कैसे यूज होगा वो देखिए, यू शुड राइट ईयर, ठीक है, फिर आप लिखोगे इंस्टॉलमेंट, ईयर इंस्टॉलमेंट, फिर प्रिंसिपल इन इंस्टॉलमेंट, पी इन इंस्टॉलमेंट, आई इन इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, इसमें मेहनत ज्यादा है और बोलता है यही वाला मेथड करोगे तो हम मार्क्स देंगे। ठीक है, तो आपको मार्क्स लेना है, ये वाला मेथड करना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है कि मैथ्स का बेटा तुम बुद्धि लगाकर सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे थोड़ी, इसीलिए वो लोग इस तरीके का रेस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं एग्जाम में। आपको हमेशा अकाउंट्स के एग्जाम में इसी मेथड को करना है। पहला, यू शुड स्टार्ट विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट से नहीं। बोलो क्यों? हमें पता है इंटरेस्ट, आप लोग बताना इंटरेस्ट सबसे ज्यादा पहले इंस्टॉलमेंट में होगा या लास्ट इंस्टॉलमेंट में होगा? पहला, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पहले वाले में। तो आप लिखोगे ईयर, ईयर थर्ड, और थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट कितना वो लिख दोगे। कितना है थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट? 1,05,000। और 1,05,000 जो है इसके अंदर में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये। सो 1,05,000 में इंटरेस्ट एलिमेंट कितना परसेंट है बोलो? यदि प्रिंसिपल 100 होता है तो इंटरेस्ट एलिमेंट इज हाउ मच? 10%, यानी 10। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग 110। पहला वाला 110 नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था, लास्ट वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला वाला नहीं कर रहा था। क्यों पहला वाला क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि अभी हमें उसमें यह नहीं पता है
कि प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है उस दिन, दैट वॉज नॉट नोन. इंस्टॉलमेंट इतना जा रहा है ये मालूम है, उसमें प्रिंसिपल कितना है ये नहीं मालूम है, इंटरेस्ट कितना है ये नहीं मालूम. तो वी शुड स्टार्ट विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट 1,05,000, प्रिंसिपल इन इंस्टॉलमेंट बता दो. तो पहले इंटरेस्ट निकाल लो, 1,05,000 इज रिप्रेजेंटिंग 10%. किससे? तो आपका इंटरेस्ट कितना आया पहला साल? नहीं नहीं, आपका इंटरेस्ट पहला साल में कितना आया? बच्चा का दिमाग में पहले कीड़ा काट लेगा तो उसका इलाज पहले ही करना है. चलो 10 मैंने 10,909. आपको लग नहीं रहा है कि लगभग 3,00,000 कैश प्राइज है? कितना आपका कैश प्राइज आया? 3,00,000. बोलो फटाफट से. 3,12,359, जिसमें कि 50,000 डाउन पेमेंट है. तो माइनस कर दो 50, तो इज इक्वल टू कितना हो गया? 2,62,359 इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इन द वेरी फर्स्ट ईयर. तो इंटरेस्ट तो लगा होगा 2,62,359 का 10%, तो कितना हो गया? 26,200 के करीब इंटरेस्ट आएगा पहला साल. और जबकि आपका रिजल्ट क्या दिखा रहा है? 10,909. अरे बात मानने को नहीं तैयार है ये. बोलो अगर मगर जो भी है, मगरमच्छ क्या? बोलो. हम जो बोले वो रिपीट करें. इंटरेस्ट किस पे लगता है वो बताओ, प्रिंसिपल पे या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे? शब्दों को संभाल के बोलेंगे. इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे या प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे? प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. तो हम टाइम वैल्यू पर आपका ये दिखा रहे हैं 3,12,359. चलिए सम छोड़ दिया एक बार. आइए ये टाइम वैल्यू ऑफ टाइम लाइन है. फर्स्ट ईयर 0th पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और ना नहीं ये फर्स्ट ईयर का एंड है, ये सेकेंड ईयर का एंड है, ये थर्ड ईयर का एंड हो गया. बेटा यहां पर कितना था? 3,00,000. 3,12,000. इसी दिन डाउन पेमेंट हुआ 50,000. तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हो गया 2,62,359. और इंटरेस्ट क्या चीज के लिए चार्ज होता है? फॉर डिलेइंग द पेमेंट. तो आपका पेमेंट कितना डिले हो रहा है? 1 ईयर. तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो. 10% ऑफ 2,62,36, 26,236. आपका तो उतना आ नहीं रहा. आपका तो इंटरेस्ट आया 10,909, मेरे को याद है अभी भी. ठीक है, और मैं जो करूंगा इसमें आएगा ये, डोंट वरी. 26,236 ले आएंगे. क्लियर है ये? सेकेंड ईयर. अच्छा एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला चार्ट भी मेरे काम आएगा, आपके समझने में सुविधा होगा. अच्छा टेबल बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें तो हर बार एंट्री करना है, हर साल का इंटरेस्ट. खाली टीवीएम ला के आंसर लाने से तो कूदना नहीं होगा, नहीं तो आपने सोचा कि आप तो कंगारू बन गए, जंप करो. क्या आ गया आंसर टीवीएम का? कैश प्राइस आ गया, बस हो गया. अरे आगे भी तो करना है. तो आगे देखो यहां पर कितने का इंस्टॉलमेंट दिए हो, तो टोटल आउटस्टैंडिंग इस दिन कितना हो गया? थोड़ा कैलकुलेटर चला के बोलो. ये 2,62,359, ये 2,62,359 प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा. और इंस्टॉलमेंट उस दिन कितने का दिए हो फर्स्ट ईयर के एंड में? 1,20,000 माइनस करेंगे. अब बता दो तो कितना आउटस्टैंडिंग बचा? 1,68,190,590,595. और कुछ है तो बोल दो. 5,9. अरे भाई ये दो ठो जोड़ना ये घटाना इसमें कहां से हो गया? 5 ही आएगा, है ना? कितना नलायक है तू लोग. हट हट, क्या बोला तुम?
बता इंटरेस्ट अब 10% 168595 के ऊपर, तो ये क्या बताने का बात है? एक तो पॉइंट कर दीजिए, हो गया 168, क्या हो जाएगा 60, ये क्या बताना है? इसमें तुम क्या हम ही कर देगा ये तो। अभी अपने इस दिन आउटस्टैंडिंग कितना वो निकाल देते हैं, तो इस दिन आउटस्टैंडिंग हो गया 168595, ऐड कर दो 185455। समझ में आ रहा है ये? अभी हम लोग इस दिन का इंस्टॉलमेंट कितना दिए थोड़ा बोलेंगे क्या? 90,000 माइनस 95455। ये 95455 पे इंटरेस्ट लगेगा, ये तो बोलो कैलकुलेटर में 9545। एक बार अठन्नी बढ़ाए थे ना, यहाँ तो अठन्नी छोड़ना बनता है, खाली बढ़ाने का सोचते हैं आप लोग। 9545 और 9545 और 95455 ऐड करेंगे 105,000 दे दिए, तो 105,000 में से 105,000 का इंस्टॉलमेंट पे कर दिए। रिजल्ट आउटस्टैंडिंग कितना बचा? नील। यही तो चाहिए था, लास्ट में सब दे देंगे तो नील ही तो बचेगा, इसमें आश्चर्यजनक वाला बात क्या है? यहां पर हमने जब टीवीएम से कैश प्राइस निकाला और हम स्टेप वाइज स्टेप आगे गए तो देखो ऐसे आया। हम लोग ना ऐसे उतरना चाहते हैं इधर से, अब 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो कैसे आना पड़ेगा? अपने को पता है कि यहां पर 105,000 इंटरेस्ट मिलाकर आया था, तो आप देखो ना 105,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10 बोलो 9455। क्या बोल रहा है यार, 9545 ना, 4-4 के बोल 9545। अरे ये इंटरेस्ट है भाई, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, लग आंखों का इलाज कराओ, इंटरेस्ट क्या है? यहां पे गेसिंग वर्क पे कोई चीज नहीं चलता है, एकदम आपको सटीक होना पड़ेगा। 9545। अभी इसमें अपने क्या करेंगे, तो अब प्रिंसिपल एलिमेंट निकाल सकते हैं कि 105,000 मैंने चुकाया तो उसमें आपका प्रिंसिपल कितना है, तो इंस्टॉलमेंट में से आप इंटरेस्ट एलिमेंट माइनस कर दीजिए तो प्रिंसिपल आ गया कितना दिए, 5. आप बोल सकते हैं कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, सुनना ध्यान से, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना था, थर्ड ईयर के एंड में नहीं, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना था, यही वाला फिगर 95455। बोले कैसे, अब पिक्चर दिखा देते हैं। थर्ड ईयर का बिगिनिंग ये है बेटा, ये यहां और यहां पे आउटस्टैंडिंग देख लो 95455, उसके साथ इंटरेस्ट एलिमेंट 9545 ऐड होके तब 105,000 आया, तो हमने क्या किया, रिवर्स करके वो निकाल लिया 95455। बोले कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है। अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है बोलो, तो आप लिख देंगे यहां पर इंस्टॉलमेंट 90,000। अब इसमें आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो देखो हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट 90,000 का दिया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 90,000 का दिया है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो प्रिंसिपल रिमेनिंग रह गया सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह गया वो प्लस 90,000 जो था, ये टोटल आउटस्टैंडिंग था, ठीक से देखिए, ये और ये दोनों मिलाकर मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग था सेकेंड ईयर के एंड में। बोले कैसे, चलिए सर देखते हैं।
सेकेंड ईयर के एंड में मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग 185455 था, देखिए तो आ रहा है क्या, 195 मतलब 95455 प्लस 90,000 ऐड करते हैं तो वही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ये जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह गया सेकेंड ईयर के एंड में लास्ट में, वो तो मैं ऐसे कर रहा हूँ देख लीजिए, इसीलिए वो टाइमलाइन भी मैंने ड्रॉ कर दिया था कि आप लोगों के लिए इजी हो। दिस ये वाला फिगर प्लस ये वाला फिगर दोनों को ऐड करके आ गया कितना, 185455 सॉरी यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है। तो 90,000 मैं दिखा भी दूँ कि कैसे आ रहा है, 90,000 ये प्लस 95455 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 10, इंटरेस्ट बताना कितना, 16860। अभी जब इंटरेस्ट एलिमेंट आपको मालूम चल गया कि 16860 इज द इंटरेस्ट एलिमेंट, तो आप 90,000 में प्रिंसिपल कितना था वो बता सकते हैं, 73। और सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना था वो कैसे निकलेगा, तो बोला ये वाला फिगर प्लस ये वाला फिगर करो कितना आ रहा, 168595। पहला इंस्टॉलमेंट अब जो कि कितने का है, 1,10,000 का, 20,000 का, 1,20,000 का, ये 1,20,000 ऑब्वियस है कि ये मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में ये अमाउंट के ऊपर प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा होगा, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करके इंटरेस्ट निकालेंगे, 1,20,000 प्लस 168595 डिवाइडेड बाई क्या, 110 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 10, इंटरेस्ट एलिमेंट आया होगा बोलो, 26236। वो आया आपका ये जो पहले वाला प्रिंसिपल था और जो प्रिंसिपल आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट में दिया है वो मिलाकर, जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह गया वो प्लस आपने जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ प्रिंसिपल चुकाया है वो, दोनों मिलाकर सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग ये फिगर था 168595। अभी आप प्रिंसिपल कितना दिया वो बता सकते हो, 1,20,000 से 26236 माइनस कर दीजिए, 93764। सो 93764। अभी आप प्रिंसिपल मेरा बिगिनिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था वो निकाल सकते हैं, तो बोला ये 168595 प्लस 93764, ये तीनों ऐड सॉरी ये दोनों ऐड करेंगे, दिस टू ऐड करके बताइए कितना आ रहा, 2,62359। और 50,000 डाउन पेमेंट ऐड करेंगे तो आपका कैश प्राइस आ गया। एग्जाम में ये टेबल खोजेगा आपसे, एग्जाम में आपसे ये टेबल खोजेगा, ऐसा ही टेबल बनाना होगा। ये रिवर्स कैलकुलेशन हो रहा, मतलब रिवर्स जा रहे हो आप, जैसे सीढ़ी चढ़ गए, देखो आपको बोला जाए उल्टा उतरो तो थोड़ा तकलीफ लगता है ना, सीधा चढ़ना किसी को तकलीफ नहीं लगता, देखो ठीक से ये वाला में कहाँ तकलीफ लगा, हर बच्चा बोलेगा सर इसमें ये इंटरेस्ट जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट जोड़ के जो आएगा उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए, फिर उसको ऐड कर दीजिए जो इंस्टॉलमेंट मिला माइनस कर दीजिए, यहाँ किसी बच्चे ने कोई तकलीफ जाहिर नहीं किया। वो क्या है ना, उल्टा आना है आपको, रिवर्स, तो आपको थोड़ा सा वो
टेक्निकल लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आप रिवर्स आओगे, रिवर्स। और रिवर्स आने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। मैंने जो किया वो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, मैंने पहले इंटरेस्ट हटा दिया, तो मैंने बोला ओके ये 954, जैसे देखो 105,000 दिया गया, तो 105,000 में इंटरेस्ट इतना दिया गया, ओके तो इसका मतलब क्या है, 95455 इज द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के बिगिनिंग में ये आउटस्टैंडिंग था, वो यहां से भी आ रहा है, आप देख लीजिए ठीक से। तो आप ऐसे जब रिवर्स आएंगे तब आपको समझ में आएगा ओके यहां पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्लियर है, समझ गए? समझ में आ गया तो चॉकलेट के लिए क्वेश्चन दूंगा, चॉकलेट के लिए क्वेश्चन दूं पक्का। किसी का कोई क्वेरी है? सॉल्व आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, सॉल्व आपको ऐसे ही करना है, लेकिन चॉकलेट के लिए आप लोग ट्राई कर रहे हो, कैश प्राइस निकालना है। बोल रहे बेटा, अभी तो हम भी सोच रहे कि कौन सा वाला था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, बातचीत नहीं करना है, बुक का पेज नंबर 70। बीटा लिमिटेड, बीटा लिमिटेड, गलत होता तो चॉकलेट नहीं देता ना। चॉकलेट दिए बुद्धि लगाने के लिए। पेज नंबर 70 बेटा, हाँ तो उसमें सम्स तो छपा होगा, चैप्टर खोलो क्वेश्चन नंबर 9 उसमें।
लास्ट वाला कॉलम में खाली ऐड कर लेना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, लास्ट कॉलम यही है ना, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। अब बिगिनिंग बोलने से मतलब कि यदि थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर का बिगिनिंग में क्या था, ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जा रहा है तो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में क्या था। चॉकलेट के लिए आप लोग कर रहे हो, हो गया, हमको क्या मालूम, हमसे नहीं जानते। टीवीएम अलाउड नहीं है, इंस्टॉलमेंट में भी तो इंटरेस्ट एलिमेंट जा ही रहा है ना उस दिन। आप समझो उस पिक्चर को, पिक्चर तो उधर बहुत चला गया। आप ऐसे समझो, एकदम सिंपल फिगर ले रहा हूं, जीरो है कोई चीज, 100 रुपए का है कैश प्राइस, 100 डाउन पेमेंट नेल, तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना, 100, रेट 10% ले रहा हूं, तो मेरा इंटरेस्ट यहां से यहां तक का कितना हो गया, आई 10, तो यहां पर इंटरेस्ट पूरे ईयर का एक्रूड हुआ 10, तो इस पॉइंट पर हो गया तुम्हारा, हम बैठो, कितना आया, 5 लाख, ये तो 5 लाख तो निकाल के बैठा हुआ था, टीवीएम से किया हो, टीवीएम से किया हो, इंटरेस्ट टेबल मेथड किया हो, ठीक है, तुम क्या किए थे, टीवीएम से करके बैठे थे, अच्छा, अब वो चॉकलेट ले लिया, तुम चेक कर, दोनों गलत है क्या, ये लोग क्या पूछा क्या, कैलकुलेट द कैश प्राइस व्हेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज पेबल आफ्टर 2 इयर्स, पता नहीं मतलब, तो अभी हमको समझाने, तो अभी एक बेसिक बात समझा रहा हूं एक बच्ची को, तो इंटरेस्ट कितना है 10, तो मेरा इस दिन टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा, होगा तो सपोज कर लो कि तुमने एक इंस्टॉलमेंट दे रखा है इस दिन 40 का, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा, 70, नेक्स्ट ईयर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे 70 के ऊपर कितना, 7, और 7 हो गया, और प्रिंसिपल 70 कैरी फॉरवर्ड होकर आउटस्टैंडिंग आ रहा था, तो टोटल 77 में मान लो तुमने 37 दे दिया इंस्टॉलमेंट अमाउंट, 37 दे दिया तो बच गया कितना, 40, फिर आपका एक यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 4, और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था 40, टोटल 44, यू पेड 44, ये 0 हो गया। अब आपका क्वेश्चन ये था कि अपने इंस्टॉलमेंट को क्यों जोड़ दे रहे हैं, बता रहा हूँ, यदि हम बैक करके जा रहे हैं रिवर्स करके, तो रिवर्स जब कर रहे हैं तो ये 44 इज रिप्रेजेंटिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो मेरा इस साल में इंटरेस्ट चार्ज हुआ था सिर्फ 40 के ऊपर, सिर्फ 40 के ऊपर, लेकिन इसके पहले वाले साल में कंडीशन देखो तो 77 हमारा है आउटस्टैंडिंग, 7 इंटरेस्ट चार्ज किसके ऊपर हुआ था, तो ये 77 को मैं ब्रेकअप करूं,
77 को मैं ब्रेकअप करूं तो 37 मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, सॉरी 40 मेरा आउटस्टैंडिंग रह गया, और हमने 37 का एक इंस्टॉलमेंट दे दिया, हमने 37 का इंस्टॉलमेंट दिया। तो यदि मुझे ये 77 पर जाना है तो मैं कैसे जा रहा हूं? जो 40 मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो, प्लस जो मैंने इंस्टॉलमेंट दिया 37 का वो, दोनों मिलकर ही तो आया ना मेरा 77। यहां तो डायरेक्ट दिख रहा था तुम्हें, तब ना ये रिप्रेजेंट कर रहा 110। क्या हुआ बच्चा लोग, हो गया ये? चलिए देखते हैं सम्स को क्या है, किसका राइट हुआ वैसे, क्या आंसर है? बक अरे तो सुनो मेरी बात, आपस में, अरे आपस में तुम लोग कुछ डिबेट मत करो, मैं हूं, मैं कराऊंगा। देख नहीं रही एक बच्ची हमको अभी तक फिर से करवाई, फिर से पूछी, वो समझी, उसका मन है। आपको पूछना चाहिए, लाइव क्लास का ये तो बेनिफिट है कि आप अपना पर्सनल लेवल पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब यदि दूसरे के हाँ में हाँ भरना आप करने के लिए आ रहे हो तो ये आप अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर रहे हो, इसलिए आप अपने लिए आ रहे हो, आप अपना पूछो। हाँ वो तो समझ में हमको आ ही चुका आंसर से, तभी तो बोले बहस मत करो। चलो सबसे पहले हम लोग वो टेबल बनाएंगे, टेबल में लिख देंगे डेट, फिर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, फिर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, एंड फिर लिखेंगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। बिगनिंग में प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है वो लिखेंगे। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो अपने पुट करेंगे, जो अपने को पता है, क्या क्या पता है वो देख लीजिए। लिखा ऑन 1/1/2011 बीटा लिमिटेड परचेज मशीन फ्रॉम यामा लिमिटेड ऑन हायर परचेज बेसिस, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर 40% एज कैश डाउन एंड द बैलेंस इन थ्री इंस्टॉलमेंट 1,30,000 31st December 2011 को, 1,42,000 ऑन 31st December 2013 को, एंड 1,10,000 ऑन 31st December 2014 को। वी शुड स्टार्ट विद द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो आप सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट का डेट लिख दोगे 31st December 2014। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी लिख दोगे, इट्स अ 1,10,000। इंटरेस्ट लिख दोगे कैसे, 1,10,000 इज रिप्रेजेंटिंग कितना, 110 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इंटरेस्ट एलिमेंट इसमें आपका निकल कर आ गया, इंटरेस्ट एलिमेंट कितना बोलो, 10,000। 10,000 हो गया इंटरेस्ट एलिमेंट, ठीक है। और आज का क्लास अभी जो हो रहा है उसका लास्ट क्लास से कोई कनेक्शन अभी तक नहीं है, अभी एकदम प्योरली ये मैथ्स का है, चल रहा कैश प्राइज निकालने का, हम लोग गेम खेल रहे हैं, तो ये प्योरली या तो 9-10 का मैथ्स है और या तो आपका थोड़ा सा ऊपर लेवल पर बोल सकते हैं कि TVM वाला यूज करें, तो हमने तो 9-10 का अप्रोच से कराया। देख बेटा 10 जोड़ के ये है, 10 घटा दे तो क्या होगा, तो यहाँ तो सिंपल है, प्रिंसिपल कितना था 110 में बोलो। यदि 10,000 इंटरेस्ट होता है तो प्रिंसिपल इज 1,00,000। अब हमारा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो 2014 का बिगिनिंग में मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना था, 1,00,000, यही वाला एलिमेंट, क्योंकि 1,00,000 में 10,000 इंटरेस्ट जोड़कर तभी तो हमने 1,10,000 दिया है, तो ये हो गया 31st December 2014 को कहानी। अब आगे चलेंगे, 31st December क्या है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 31st December 2013 को, ये इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हैं वो भी बोला हुआ है, और वो दे रहे हैं कितने का, 1,42,000 का,
तो आप लिखेंगे 1,42,000 इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट कितना होगा तो आपको देखो 2013 में 1,42 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, और एक 2013 के एंड में थोड़ा कहानी सोचो, ये बच्ची जो पूछ रही थी उसी के बेसिस से बोले भोजन को नहीं समझ में आता है और वो हाँ हाँ करते हैं, तो प्लीज समझना 1,42,000 हमने पे किया और नहीं कर पाए बाकी पेमेंट 1,00,000, तभी तो अगला इंस्टॉलमेंट बना। इसका मतलब 1,42,000 प्लस ये 1,00,000 रुपया मेरा आउटस्टैंडिंग था 31 दिसंबर 2013 को, और ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, लास्ट डेट में इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है। तो दैट्स वाई यहां पर आपका इंटरेस्ट एलिमेंट होगा ये 1,00,000 प्लस ये 142 ऐड करके, 1,00,000 प्लस 142 ऐड करके डिवाइडेड बाय कितना 110 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 2,42,000 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10 क्या होगा? कहां से हो गया यहां? एक ही साल है बेटा, तुम मत शॉर्टकट लगाओ। कितना आया? 22,000। फालतू का कंफ्यूज करने पे तुला हुआ ये लड़का। यदि 1,42,000 में 22,000 यदि इंटरेस्ट एलिमेंट था तो आपने जो चुकाया वो प्रिंसिपल कितना चुकाया? 1,00,000। तो 2013 के एंड में प्रिंसिपल चुकाया 1,20,000 और 1,00,000 का प्रिंसिपल रह गया जो 2014 में चुकाया, तो टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 2,20,000। अभी 31 दिसंबर 2012 इंस्टॉलमेंट नहीं है, ये वाला 2,20,000 वाला ना इंटरेस्ट वाला पार्ट, इंटरेस्ट वाला पार्ट ना, ये इंटरेस्ट देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान देना टाइमलाइन पे, ध्यान दो एक बार बेटा, आप लोग बातचीत करते हो ध्यान कम देते हो, ध्यान दो नालायकों, ध्यान दो, ये बिगिनिंग, ये फर्स्ट, ये सेकंड, दो ही साल रखो, बिगिनिंग में 1,000 डाउन पेमेंट कुछ नहीं, तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 1,000। इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 1,000 पे, 10% ब्याज लगा, कितना हो गया? 1,100 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तुमने एक इंस्टॉलमेंट चुका दिया, से इंस्टॉलमेंट चुका दिया 600 का, बच गया कितना? 500। अब अगले साल में इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 500। तो आप यदि यहां का ब्रेकअप करो, अब मैं बोलूं फर्स्ट ईयर के एंड में, यदि मैं बोलूं फर्स्ट ईयर के एंड में लास्ट में आप जो टोटल 500 दे रहे हो, 500 दे रहे हो, तो टोटल देना कितना था आपको? देना था 500 दे रहे हैं, लेकिन अपने को देना कितना था? 1,100 में 600 आपने दिया, तभी तो आपका 500 बैलेंस आउटस्टैंडिंग बच गया। तो ये 500 नहीं दे पाए तभी तो अगला इंस्टॉलमेंट बनता है। यदि हम दे दिए होते तो क्या मुझे आगे जाने की जरूरत होती? तो अगला इंस्टॉलमेंट सिर्फ इसीलिए बनता है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पे द एंटायर अमाउंट ऑन दैट डे। तो दैट्स वाई यदि मैं इसे रिवर्स करके 1,100 तक पहुंचना चाहूं कि 1,100 कैसे आया, 1,100 कैसे आया, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 500 मैं जो नहीं दे पाया अगला इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल, वो जो मैं नहीं दे पाया वो, और प्लस 600 मैंने दिया था पहला इंस्टॉलमेंट, तो 600 जो मैं दिया और ये 500 जो नहीं दे पाया, तो टोटल 1,100 आउटस्टैंडिंग है। ये 1,100 इज रिप्रेजेंटिंग 110%, क्योंकि इसमें 10% इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 10। क्लियर है ये? तो अब जो सम्स कर रहे हैं हम लोग उसमें देखो,
यही चीज मैं कर रहा हूं यहां पर। 2,20,000 मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, जैसे वो बच्चा किया वो रेशियो याद कर लिया है रट्टा मार के, वो जो बैठा हुआ 1/21 पीवीआर मार के किया है, वो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज किया है, पीछे का सॉल्यूशन देखा है, तब ये लड़का तेज है। मतलब आंसर ले आया था बहुत पहले ही, किया क्या, वही सॉल्यूशन तो आंसर ही आएगा ना। ये हम लोग स्लो स्लो कर रहे हैं, लेकिन पता है एक बार आ जाए तो ये कितना देर का काम है पता है, 2 से 5 मिनट का, नॉट मोर देन दैट। जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे अपने आप 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर में सब सल्टा देंगे कैलकुलेटर में कर करके। कोई टेक्निक अलग नहीं है, एक ही चीज है, वही किया वो। आगे आ जाइए, तो यहां पर 31 दिसंबर 2012, तो यहां पर आपका कुछ भी इंस्टॉलमेंट है क्या, बोला नहीं। अच्छा 2,20,000 तो आउटस्टैंडिंग 2012 में भी था आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब लास्ट में, तो 2,20,000 थ्रू आउट द ईयर 2012 वॉज आउटस्टैंडिंग, तभी तो 2012 के एंड में हम नहीं दे पाए, तभी तो 2013 गया। तो दैट मीन्स कि यहां पे 2,20,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 2,20,000 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू कितना, 20,000 इंटरेस्ट एलिमेंट आ गया। तो यहां पर आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल कुछ नहीं गया, इंटरेस्ट एलिमेंट हो गया 20,000, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 2,20,000 जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था उसके अंदर से 20,000 मेरा इंटरेस्ट कट गया, तो मेरा यहां पर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 2,00,000। अब हम आएंगे 31 दिसंबर 2011, इस दिन कितने का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो बताओ, 130। बीच में गैप है, एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिए हैं, उसी के लिए चॉकलेट था और कोई चीज नहीं है, बाकी तो वही सम्स था। 1,30,000 इज द प्रिंस आउटस्टैंडिंग, मतलब इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट ऑब्वियस है, 1,30,000 देने के बाद 2,00,000 हमारा नहीं दे पाए थे, तब तो अगला इंस्टॉलमेंट बना था, नेक्स्ट ईयर में आगे गया था, तो इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट कितना होगा। और यदि नहीं समझ में आया तो याद करना है आपको, ये प्लस ये इज डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई क्या 10, तो आपका आ जाएगा कि कितना हुआ, ठीक है। अब वो याद करने से तो आप एग्जाम में पक्का से भूलोगे, और एग्जाम के दिन याद करना पड़ेगा, अदरवाइज तो मैथ्स है। तो 2,00,000 प्लस 1.3L डिवाइडेड बाई 1.1 मल्टीप्लाइड बाई क्या 0.1, कितना आया ये 30,000। यदि आपका इंटरेस्ट था तो प्रिंसिपल कितना था, और 2,00,000 और 1,00,000 मिलके कितना होता है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने डाउन पेमेंट कितना किया था 40%, तो डाउन पेमेंट इक्वल टू 40% है, ठीक है, डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 40%, तो इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट हो गया फिर 60%, तो लिखेंगे प्रिंसिपल इन इंस्टॉलमेंट इक्वल टू रुपीज 3,00,000 विच इज 60% ऑफ टोटल कैश प्राइस, देयरफोर कैश प्राइस इज इक्वल टू कितना 3,00,000 डिवाइडेड बाय कितना 60% इज इक्वल टू कितना 5L, 5,00,000 रुपए हो जाएगा। बोलो समझ में आया, कैश प्राइस निकालना आ गया। आगे अपने कैश प्राइस में ज्यादा फोकस अभी नहीं करेंगे, अभी अपने रीपोजिशन का एंट्री सीखना आज, ठीक है। तो
रीपोजिशन लिखेंगे, रीपोजिशन। कैश प्राइस निकालना आ गया, इतना एक बार एनफ है। एक दो सम्स और आएगा इजी इजी, वो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। अभी हम लोग का स्कोप है बढ़ाना क्या चीज़ के ऊपर, तो रीपोजिशन सीखना। तो आपको हेडिंग डालना होगा रीपोजिशन, रीपोजिशन। Of goods, इसी को recoupment भी बोलते हैं, recoupment of goods। Reposition जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है partial reposition और दूसरा होता है complete reposition। तो पहला लिखेंगे पार्शियल रिपोजिशन, और दूसरा है कंप्लीट रिपोजिशन। पार्शियल रिपोजिशन कब होता है, तो बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन अपने वेंडर तब करता है जब वो फ्लीट ऑफ कार्स या फ्लीट ऑफ एसेट्स को फिनांस करता है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपने एक साथ तीन डिलीवरी वैन, कितने डिलीवरी वैन, तीन डिलीवरी वैन आपने लिए हैं फाइनेंसिंग पर, ये है तीन डिलीवरी वैन। तो ऐसा तीन डिलीवरी वैन आपने बना लिया कि भाई तीन दूध ढोने वाला मशीन, सॉरी गाड़ी आपने खरीदा है हायर परचेज सिस्टम में। आपको लगा कि बहुत बिजनेस डिमांडिंग है और आपको मंदी का जरा सा भी आइडिया नहीं था कि बिजनेस जो है अभी इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया। तो ऐसे हालात में क्या होता है, पार्शियल रिपोजिशन, वेंडर आपको एक प्रपोजल देता है, देखो भाई तीन तुमने फाइनेंसिंग करा लिया, नहीं चला पा रहे हो, तो एक काम करो ना, दो सरेंडर कर दो। क्या करो, दो एसेट्स, इसमें से दो वैन को सरेंडर करो, और जिसका वैल्यू जो है मैं आपका आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दे रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दे रहा हूँ, एक चलाओ मजे से, एक का पैसा चुकाते रहो, और बाकी आपका आगे का जैसे होगा, हो सकता है कि अगला एक भी डिफॉल्ट कर जाए, तो फ्यूचर की बात है। बट अपने बात कर रहे हैं कि पार्शियल रिपोजिशन में, पार्शियल रिपोजिशन में अपने क्या बात कर रहे हैं कि पार्शियल रिपोजिशन में कोई पोर्शन ऑफ द एसेट्स और पोर्शन ऑफ द एसेट्स वर रिपोजिस्ड बाय द वेंडर। कंप्लीट रिपोजिशन क्या होता है कि यू आर ओनिंग अ कार, आपके पास एक ही गाड़ी है, ज़्यादा नहीं है, एक ही कार है, और आपके पास वो कार रिपोजिस्ड कर ले रहा है, वेंडर आपसे छीन ले रहा है, यानी कि एक ही कार है, तो आपके पास कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है, वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, सीधा आप उसका पेमेंट बंद कर दिया, अगला अपना कार लेके चला गया, और उसके बाद वो कार को ऑक्शन करेगा, बेचेगा, ठीक है। तो पार्शियल रिपोजिशन में क्या होता है, अ पोर्शन, क्या लिखेंगे, अ पोर्शन ऑफ एसेट, अ पोर्शन ऑफ एसेट, रिपोजिस्ड बाय वेंडर, और यहां पे क्या होगा, एंटायर एसेट रिपोजिस्ड बाय वेंडर। अच्छा बात यह है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बोथ द केसेस आर सेम। क्या होगा, आप लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बोथ केसेस आर सेम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बोथ द केसेस आर सेम, दोनों ही केसेस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होने वाला है। क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या होने वाला है, तो बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो बहुत इजी है, पहले तो खुद ही फील करो, देखो एंट्री तुमसे निकलता है क्या, तो अच्छा बात होगा कि मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, एसेट्स टू
हायर परचेजर, सेल्स रिटर्न टू हायर परचेजर, वो एसेस को कंट्रेडिक्ट कर रहा है, वो बोल रहा है एसेस नहीं हो सकता। एचपी टू क्यों? वेंडर टू एसेट, वेंडर को डेटर बना लेंगे। अब आप किसकी बुक में बोल रहे हैं ये बात समझना होगा। मैं आपसे बोलूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बोथ द केसेस आर सेम। तो अभी मैं यदि आपको बोलूं वेंडर के ऊपर फोकस ज्यादा है और परचेजर के बुक में भी अपने बात कर लेंगे, एक एक एंट्री है तो खत्म, उसके बाद तो सम्स पकड़ना है, ठीक है। वेंडर बन जाओ, वेंडर बनोगे तो वेंडर में यहां ज्यादा खेल होता है। वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए डिफॉल्टिंग डेटर है परचेजर, पैसा नहीं दे रहा है, डेटर्स तो बन चुका है वो बट पैसा नहीं दे रहा है। मैं मांग मांग के थक गया, भाई कब दोगे, नहीं दे रहा, आर दे रहे हैं, भिजवा रहे हैं, लास्ट में मैंने उससे गाड़ी छीन लिया, उसे कार ले लिया, रिकूप कर लिया। यदि मैं छीन लिया तो वो कार मेरे लिए एसेट नहीं हो सकता, एचपी सेल्स रिटर्न भी नहीं हो सकता। हम लोग उसको बोलते हैं गुड्स रिपॉजिस्ड, ठीक है, सेल्स रिटर्न सेंस में ही है बट आप उसे गुड्स ही मान रहे हो, बट थोड़ा अलग गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स, इसीलिए हम लोग उसको एक अलग नाम देते हैं। जैसे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट होता है ना, आपका एक्सपेंसेस कन्वर्टेड इनटू एबनॉर्मल लॉस, तो वैसे ही हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, इसे एक अलग नाम से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। है तो सेल्स रिटर्न ही बट वो इच्छा से रिटर्न नहीं हुआ और वो अच्छे कंडीशन में नहीं है कि हम लोग दूसरे को बेचेंगे, हमें तो अब ऑक्शन करना पड़ेगा, नीलामी करके इसे सेल करना पड़ेगा। दैट्स वाई यदि हम एंट्री करेंगे, सो पहला व्हेन गुड्स रिपॉजिस्ड, व्हेन गुड्स रिपॉजिस्ड, तो जब गुड्स रिपॉजिस्ड होगा तो क्या एंट्री होगा, तो बोलते बहुत सिंपल है, जब रिपॉजिस्ड करेंगे तो इन दैट केस मैंने परचेजर को डेटर बना रखा है तो एचपी परचेजर को कैंसिल करेंगे। क्लियर, एचपी परचेजर को कैंसिल करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, तो अपने डेटर बना लेंगे मतलब रिपॉजिस्ड गुड्स को, तो रिपॉजिस्ड गुड्स अकाउंट डेबिट। ये जो एंट्री होगा, ये जो एंट्री होगा, ये एंट्री होगा आपका विद द व्हाट, एग्रीड प्राइस। ऐसा थोड़ी होगा कि आप जो दाम बोलेंगे अगला उस दाम पे, जब क्या होता है खास करके एग्रीड प्राइस इस सिचुएशन में आएगा, यहां पे हम तीन में से दो ले रहे हैं तो यहां तो समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा, यहां कोई समझौता नहीं होगा, रोड में से आपसे गाड़ी छीन लेगा। आप रोड में जा रहे हो, आपसे आपसे तो मुलाकात ही नहीं हो रहा है, आप फाइनेंसर से मिलना नहीं चाहते हो, तो यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। बट अगला अपना एक कैलकुलेशन करता है कि मेरे हिसाब से इतने का ये गाड़ी है, अब दोबारा मैं बेचने जाऊंगा तो मैं मार्केट में इस दाम पर बेच पाऊंगा, तो ये अगला अल्टीमेटली एक एस्टिमेट कर पाता है। दैट्स वाई ये एंट्री आपका एग्रीड प्राइस से होगा, तो एग्रीड प्राइस वेन गुड्स रिपॉजिस्ड, तो रिपॉजिस्ड गुड्स अकाउंट डेबिट होगा टू एचपी परचेजर, ये एंट्री एग्रीड प्राइस से होगा, एग्रीड प्राइस से ये एंट्री करोगे। ऑब्वियस है कि इसमें आपका एचपी परचेजर का वैल्यू कुछ और होगा आपके बुक्स में, मैच करेगा क्या, नहीं करेगा, तो डेफिनेटली इस पूरे ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट या लॉस हो गया। हो सकता है कि आपका आपके बुक्स में आपको परचेजर से लेना है 5 लाख रुपए और अगला आपको सिर्फ एग्रीड वैल्यू आ रहा है एसेस का से 4,50,000, तो 50,000 का क्या हो गया, लॉस। तो आपको क्या करना होगा, एचपी ये पार्शियल रिपोजिशन में नहीं, कंप्लीट रिपोजिशन में, तो डिफरेंस यदि होगा, यदि कंप्लीट रिपोजिशन होगा तो डिफरेंस शुड बी रिटन ऑफ थ्रू पीएनएल, पीएनएल के थ्रू डिफरेंस राइट ऑफ करेंगे। सो लिखेंगे नोट करके, नोट बैलेंस इन एचपी परचेजर
balancing HP purchaser written off through P&L. ठीक है, P&L के थ्रू राइट ऑफ करेंगे. परचेजर के बुक में सोचो, जिसका गाड़ी छीन गया उसका दुख समझो, जिस भावना के साथ में वो गाड़ी रख रखा था वो भावना को समझो, क्या होगा बताओ. परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो बेटा, उसका कार उसके लिए क्या था, उसका कार उसके लिए क्या था, ऐसे रहा क्या कि चला गया, चला गया. तो आप किसको क्रेडिट करोगे, एसेट्स को. तो उसके लिए एसेट्स क्रेडिट हो गया, एसेट्स डिक्रीज हो गया, इसलिए क्रेडिट. अच्छा, गाड़ी छीन जाने के बाद तुम्हारे मन में, रोड पे तुम जा रहे थे ऑफिस, बढ़िया से मेरी तरह से तैयार होके रास्ते में उतार दिया, ठीक है, बोला जाओ अब, और गाड़ी छीन लिया. तुम बताओ कि तुम अपने मन में अब नियत रखोगे क्या, नहीं मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा, पाई पाई वापस दे दूंगा, या ब्ला 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 क्या करोगे, ब्ला 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 करोगे ना, जितना मन में आएगा वो सब भरास उस दिन निकाल दोगे, छोड़ोगे थोड़ी. इसका मतलब जा अब तेरे पैसे मैं नहीं देता एचपी वेंडर, तू मेरे बुक्स में क्रेडिटर है ना, जा खत्म, मेरा लाइबिलिटीज खत्म, आज ही मैं अपने मन में खत्म कर दिया, एंट्री मार दूंगा बुक्स में जाकर, वेंडर तू खत्म हुआ, आज अभी इसी वक्त खत्म तू. लेकिन मेरे लिए एसेट्स एक डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए मैं जा रहा था, तो ये एक बुक वैल्यू पर होगा, और ये हो सकता है एग्रीड वैल्यू हो सकता है एग्रीड वैल्यू ना हो. बोलो क्यों, पार्शियल रिपोजिशन में एग्रीड वैल्यू, और नहीं तो टोटल वैल्यू ही, वेंडर को तो खत्म ही कर देंगे, जीरो कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, एचपी वेंडर डेबिट होगा या तो एग्रीड वैल्यू से या टोटल आउटस्टैंडिंग से. ऑब्वियस है कि अब ये टैली नहीं होगा, कहां से टैली होगा, दोनों एक ही वैल्यू से थोड़ी हो रहा है. मेरे लिए एसेट्स कुछ और है, एग्रीड वैल्यू कुछ और है, तो बीच का डिफरेंस क्या होगा, मेरा लॉस होगा. ऑब्वियस है, बीच में छीना गया तो प्रॉफिट तो होने से रहा, देयर डेफिनेटली 99.99% चांस है कि लॉस होगा. तो यहां पर लॉस को तुम कहां डालोगे, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करोगे, लॉस ऑन सरेंडर, लॉस ऑन सरेंडर. बोलो क्लियर है, लॉस ऑन सरेंडर. बस परचेजर के बुक में बेटा और कोई एंट्री नहीं आता है, जब एसेट सरेंडर करेगा एसेट वो खत्म कर देगा, परचेजर को खत्म कर देगा, बीच का डिफरेंस प्रॉफिट और लॉस होगा, जनरली लॉस होगा, लॉस राइट ऑफ कर देगा. कहानी वेंडर के गले में एक घंटी बंध गई. बोलो कौन सा वाली घंटी, बोला वो कार. क्या मैनेजर उस पर घुमाए, बोला नहीं. मैनेजर कितना घूमेगा, कितना घुमाएगा, तो क्या किया जाएगा फिर. तो बोलते हैं इन दैट केस बेटर सॉल्यूशन तो यही है कि उस केस में उस गाड़ी को वो ऑक्शन करके बेचे, बेचने को जा रहा वो, देखा डेंट लगा है, स्क्रैच है, गंदा पड़ा है, बहुत ही खराब कंडीशन में रख रखा था, क्योंकि उसकी नीयत नहीं थी परचेजर की देने की. तो मैंने बुलाया, सुनो. हाँ भाई, ये बोली हाँ रिपेयरिंग का काम करते हैं हम लोग. हमने बहुत बढ़िया, रिपेयरिंग कर दो इसका, ताकि देखने में प्रेजेंटेबल हो जाए और बिक जाए, जो दिखता है वही बिकता है आज के समय में. तो दैट्स वाई वहां पर उसका हमने डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग का रिमॉडलिंग का खर्चा इनकर्ड कर दिया. मेरे लिए वो क्या एसेट्स है क्या, नहीं. मेरे लिए वो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में और खर्चा करूं तो क्या एंट्री होगा, मेरा लॉस का बैलेंस और बढ़ेगा. जो गुड्स है उसके ऊपर ही मैंने पैसा लगा दिया, तो गुड्स रिपोजिट का खर्चा और बढ़ जाएगा. तो एंट्री क्या होगा, नंबर टू फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ऑन रिपोजिट गुड्स. मुझे नहीं बोलना, आप खुद बोल देंगे, बोलिए क्या होगा एंट्री, बोलो. गुड्स रिपोजिस्ड डेबिटेड टू
कैश या बैंक, कैश या बैंक एसेट्स डिक्रीज हो गया, क्लियर है ये। अब अपने उसे तैयार कर चुके हैं, अब ऑक्शन कर रहे हैं, नीलामी के लिए हम लोग लगा दिए उसको, एंड ऑक्शन में वो सेल हो गया। तो जब सेल होगा तो फिर से गुड्स रिपोजिस्ड अकाउंट में आपका क्या आ सकता है, प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट मतलब उस रिपोजिस्ड गुड्स को जब आपने ऑक्शन किया मार्केट में तो यू गॉट एक्स्ट्रा, और ऐसा हो सकता है कि जब आपने ऑक्शन किया तो यू गॉट लेस, तो यदि आपको कमती मिला तो उस केस में लॉस है, वो भी जनरल पीएल में जाएगा, प्रॉफिट हुआ वो भी जनरल पीएल में जाएगा, क्योंकि दुनिया में कहीं से भी कमाओ पापा जी के अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, व्हेन रिपोजिस्ड गुड्स सोल्ड, व्हेन रिपोजिस्ड गुड्स सोल्ड, एंट्री होगा कैश या बैंक, ये कंसिडरेशन से होगा, जितना बेच के मिला उससे। यदि लॉस हो गया तो पीएनएल डेबिट होगा, लॉस और गुड्स रिपोजिस्ड आपने डेबिट कर रखा है, सेल कर दिया तो आपका लॉस को कम करना है, जितना पैसा मिला उतने से आपका गुड्स रिपोजिस्ड कैंसिल हो गया, तो जितना बुक में वैल्यू है उससे आप गुड्स रिपोजिस्ट को क्रेडिट कर दीजिए, और यदि आपको बेच के प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल को क्रेडिट कर दीजिए, दैट इज प्रॉफिट, ये बुक वैल्यू से था। बोलिए क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जिसमें आपको या तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सरेंडर निकालना है, मतलब कि परचेजर की पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एंट्री सोचना है ये। तो चलिए लिखेंगे एक्स लिमिटेड, क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ कार ऑन एचपी बेसिस एट 5 लाख ऑन 1/1/20 On 1/1/2020, down payment is 20% and rest should be paid in 4 installments, and the rest should be paid in 4 installments. Down payment is 20%. And rest should be paid in 4 installments. At the end of first year, rupees 1,30,000. Second year, rupees 1,45,000. Third year, rupees 1,10,000. Fourth year, 1,05,000. Interest rate 10%. Depreciation charge at the rate of 20% under WDV method. X Limited failed to pay. Paragraph change. X Limited failed to pay 3rd installment. And immediately after failure, car was recouped by vendor at agreed value charging depreciation, at the rate of 30% under WDV method. At the rate of 30% per annum under WDV method.
from the above information. From the above information, calculate loss on surrender of car to X Limited. Loss on surrender of car to X Limited. आपको X Limited के लिए loss निकालना है. कोई और चीज मैंने पूछा नहीं है आपसे, बिल्कुल numbers पूछा हूं. आप एकदम दिमाग लगाओ, बगल वाले से पूछ पूछ के नहीं, खुद का दिमाग यूज करना है. बगल वाले का दिमाग यूज नहीं करिएगा. हो गया, बहुत जल्दी निकाला क्रिश. बोल, लॉस 44,000 आया. क्रिश बोल रहा है 14,400 आया. 40,400, अच्छा. लॉस ऑन सरेंडर चौलीस चार सौ. बहुत जल्दी निकाल लिया कैसे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, राइट भी हो सकता ना, हमको नहीं पता. वो जल्दी निकाला तो कैसे निकाला वो शेयर कर. पहले उसका डेप्रिसिएशन करके उसका बुक वैल्यू निकाला था एट द एंड में, और फिर उस एसेट्स का वैल्यू निकल गया, एंड देन उसके बाद कितना और उसका ड्यू था वेंडर का, वो चीज निकाला. और जो 30% से डेप्रिशिएट करना उसका क्या किया? एग्रीड वैल्यू हो रहा, दोनों में समझौता हो रहा है. देखो यहां पे भी एग्रीड वैल्यू लिखा हूं. हाँ ठीक है, फिर भी एग्रीड वैल्यू है तो बाकी रुपए देने को तैयार हो गया. एग्रीड वैल्यू बोला हूं ना. बला बला मत सोचो, मतलब ये भी तो सोचो कि क्या हो सकता है. हाँ भाई, कैश प्राइस 5,00,000 है तो सबसे पहले हम लोग बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे. बुक वैल्यू ऑफ कार ऑन द डेट ऑफ सरेंडर, जिस दिन अपने सरेंडर कर रहे हैं, ऑन दैट डे बुक वैल्यू ऑफ कार क्या है? सो ऑन द डेट ऑफ सरेंडर बुक वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू 5,00,000 मल्टीप्लाइड बाई, अपने को पता है कि हम लोग कार को 20% के रेट से डेप्रिशिएट करते हैं अंडर WDV मेथड. तो WDV मेथड में डायरेक्ट यदि 3 साल के एंड में वैल्यू लाना हो तो शॉर्टकट है 5,00,000 1 माइनस रेट ऑफ डेप्रिशिएशन दैट इज 0.2. तो 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8. तो अभी मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2. 3 बार करेंगे क्योंकि 3 साल बीत चुका है. यानी इंटू 80% इंटू 80% इंटू 80% सीधा WDV आएगा. और यदि बच्चा की तरह करने का मन हो तो पहले आप वो तरीका में भी जा सकते हैं. 5,00,000 लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 1,00,000
फिर लिखेंगे 4 लाख, फिर लिखेंगे लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 80,000, फिर आ गया 3,20,000, देन अगेन यू विल राइट लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर थर्ड ईयर 64,000, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 लाख। तो एक तो ये बच्चा वाला तरीका है, मैं सब तरीका डिस्कस करता हूँ ताकि आपको स्पीड भी बढ़ाना है एग्जाम में। ये बच्चा वाला तरीका कि हाँ ऐसे ही तो करते हैं 20% लेस कर करके, यदि 20% घटाएंगे तो फर्स्ट ईयर के एंड में बचा 80%, सेकेंड ईयर के एंड में भी बचा 80%, थर्ड ईयर के एंड में भी बचा 80%, तो सीधा इंटू पॉइंट एट करो, आंसर आ गया। तो डायरेक्टली क्यों ना करें 5 लाख इंटू पॉइंट एट। आपको मैंने दोनों तरीका बता दिया, एज पर योर विश आप फॉलो करेंगे। तो ये रिजल्ट आ गया 2 लाख। ये बुक वैल्यू आया जिसको मैंने लॉन्ग वे से आपको डिटेल्स में से बता दिया। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट क्या निकालोगे बोलो? एग्रीड वैल्यू। तो एग्रीड वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू क्या? तो एग्रीड वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.7 × 0.7 × 0.7, 3 बार करेंगे 0.7 × 0.7 × 0.7 इज इक्वल टू कितना? सॉरी 171500। तो ये एग्रीड वैल्यू निकल आया। आपके लिए जो चीज 256 का है अगला उसी 171500 में लेने को तैयार हुआ, तो बीच का डिफरेंस देखो कितना हुआ। तो लॉस ऑन सरेंडर इज इक्वल टू 256000 माइनस 171500। बीच का डिफरेंस बोलिए 84500 इज द लॉस ऑन सरेंडर। जेनेट्रिक्स करना होगा तो फॉर दिस जेनेट्रिक क्या हो जाएगा, आप वेंडर को डेबिट करोगे 171500 से, और लॉस ऑन सरेंडर इज योर लॉस दैट इज इंक्रीजिंग, तो लॉस को आप डेबिट करोगे कितने से 84500, एंड आपका एसेट्स आपके पास से चला गया तो 2,56,000। समझ में आया यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन होने से पूछना है कि नहीं आ रहा है? हाँ, जो वेंडर में नॉर्मल डिफरेंस है दैट विल बी सेपरेटली रिटन ऑफ टू पीएल, वो भी तो लॉस अल्टीमेटली वेंडर का जो बैलेंस है अब हम नहीं देना है मुझे। तो मैं एक बात बताओ, यदि मैं नहीं दूंगा तो आई विल ट्रांसफर वेयर? डेफिशिएंसी अकाउंट, याद करो, इनएबिलिटी टू पे शुड बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अनएबिलिटी टू पे ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी। तो मेरा तो अब जो भी बैलेंस बच जाएगा वेंडर में वो चला जाएगा आपका कहां पर? डेफिशिएंसी में। सिंपल सा बात है, यदि नहीं देना है तो, और एग्रीड वैल्यू हो रहा है तो सामने वाले का देने का नियत बनता है, देना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं रहेगा, आप भी बैलेंस एडीबीडी करके छोड़ दोगे, राइट ऑफ मत करना अपने मन से, क्योंकि ये तो सारा बात तय होगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने कार लिया, उसका एग्रीड वैल्यू फाइनलाइज हो गया, सब कुछ फाइनल हो जाने के बाद अब सामने वाला जिस कीमत पे एसेट्स को एक्सेप्ट कर रहा है और तुमने जो दिखाया उसका डिफरेंस तुमने राइट ऑफ कर लिया पीएल में, अब सामने वाले का बाकी रुपए दोगे या नहीं दोगे? तो देना बनता है ना, क्योंकि अगला तो एग्रीड वैल्यू है। हाँ, यदि एब्सकॉन्डेड है तो अगला बोलेगा मेरा बैड डेट्स, अगला बोलेगा वेंडर बोलेगा बैड डेट्स, आप क्या बोलोगे? डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करके क्लोज कर दोगे। क्लियर है ये?
स्टडी मैट पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टडी मैट आपके पास है क्या? एकदम लास्ट में जाइए जहां सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन खत्म होके फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ वो चाहिए, एक बुक दे दीजिए, मैं भी आप लोगों को मिला। हाँ उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर आइए और जहां पर रिपोजिशन चालू हो रहा है उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 84। बाकी लोग सीएमए वाले भी अपना अलग से ढूंढ लेंगे, उनका स्टडी मैट अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 84। एसटी लिमिटेड परचेज 3 इलेक्ट्रिक मोटर्स कॉस्टिंग 10,000 ईच फ्रॉम केएम लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2010 ऑन हायर परचेज सिस्टम। यानी मैं समरी लिखता भी जा रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इलेक्ट्रिक मोटर्स की बात हो रही है, कितना इलेक्ट्रिक मोटर्स 3 और 1 का कीमत क्या है? 10,000। डेट क्या है आपका? डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2010 ऑन हायर परचेज सिस्टम। द टर्म्स फॉर पेमेंट ऑन डिलीवरी 2,500 फॉर ईच मोटर, यानी डाउन पेमेंट कितना है? 2,500 एक मोटर के लिए, तो 3 मोटर के लिए 7,500 एंड बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एट 15% पर एनम टू बी पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बाकी बोला जो है आपका टोटल कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग हो गया बता दो। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 22,500। बोलो कैसे? एक का दाम 10,000 तो 3 का दाम 30,000, तो 30,000 में से 7,500 का तो पेमेंट संग संग हो गया, तो बचा कितना? 22,500। आगे बोल रहे हैं लिखा हुआ एसटी लिमिटेड राइट्स ऑफ 25% डेप्रिसिएशन ईच ईयर ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो यहां पर डेप्रिसिएशन रेट बोल दिया, डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू कितना? 25% पर एनम है, नहीं है तो पर एनम ही होगा। एसटी लिमिटेड फेल्ड टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो तीसरा इंस्टॉलमेंट फेल कर गया। केएम लिमिटेड रिपोजेस 2 मोटर्स एडजस्टिंग द वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, तो 2 मोटर रिपोजेस कर लिया, यानी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रिपोजिशन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रिपोजिशन, कंप्लीट रिपोजिशन नहीं है। तो 2 मोटर मोटर्स को रिपोजिस किया गया। एग्रीड वैल्यू क्या बोला? रिपोजिस 2 मोटर्स एडजस्टिंग द वैल्यू अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, द रिपोजिशन वॉज डन ऑन 1 जनवरी 2013 ऑन द बेसिस ऑफ 40% डेप्रिसिएशन ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अगला कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया? तीसरा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया और एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो क्या हम लोग एग्रीड वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस, एग्रीड वैल्यू इज इक्वल टू 2 मोटर का ऐसे निकलेगा 10,000 रुपया एक मोटर, तो 2 मोटर का 20,000 और डेप्रिसिएशन करना है 40% के रेट से ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी 0.6 × 0.6 × 0.6 बचेगा नहीं। WDB मेथड में 0 नहीं होता बेटा, बावला हो गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही आता है कभी कभी भावना। बोलो फिगर कितना? 4,320। अच्छा बुक वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं यहीं पर। आपका डेप्रिसिएशन रेट क्या था 2 मोटर का? बुक वैल्यू ऑफ 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 0.75
8438। तो अभी जिस चीज का कीमत आपके लिए 8438 था, फॉर दैट 4320 आपको एग्रीड हुआ, तो लॉस ऑन सरेंडर आपका लॉस हो गया। लॉस ऑन सरेंडर इज इक्वल टू 8438 माइनस 4320 4 8। तो लॉस ऑन सरेंडर भी आ गया, और कुछ बोला नहीं है, बोला है आपसे बनाने के लिए राइट अप द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एसटी लिमिटेड शोइंग द अबव ट्रांजैक्शन अप टू 1/1/2013, सो द डिस्क्लोजर ऑफ द बैलेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द अबव इन द बैलेंस शीट ऑफ एसटी लिमिटेड, यानी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट पूछा और साथ में लेजर बोला। तो अपने इन द बुक्स ऑफ एसटी लिमिटेड बना रहे हैं सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन का आप नंबर्स रेफरेंस में लिखकर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एसटी लिमिटेड कितना लेजर बनेगा बताओ, कितने लेजर बनेंगे? दो। एक होगा आपका इलेक्ट्रिक मोटर्स अकाउंट, और दूसरा क्या बनेगा, जिससे खरीदा है हायर वेंडर का नाम क्या है, KM लिमिटेड। कितना नंबर क्लास है बेटा जी, आज का कितना नंबर क्लास चल रहा है आपका, तीसरा या दूसरा या चौथा, थर्ड? क्या होगा, मेरा क्लास में बचा हुआ जो मिलता है बच्चा लोग खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, तब आता है। इसके बाद वाला पता नहीं कैसे संभलता होगा, यदि किसी का क्लास हो तो 5:30 से रहता है, पार हो जाता है। हो गया यहां तक। चलिए कहानी आपके आपकी जुबानी, कहानी आपकी जुबानी। सबसे पहले कोई बुरा बात नहीं सोचना है, अच्छा अच्छा बात सोचना। बोलो क्या हुआ पहला दिन, डेट क्या है? 1 जनवरी 2010 में, यहां 1 जनवरी 2010 में आपने एसेस खरीदा है। तो सबसे पहले खरीदने का एंट्री कर दो, क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रिक मोटर्स डेबिटेड, एसेट्स डेबिटेड, और जिससे आपने खरीदा है उसको क्रेडिट क्रेडिटर बना लिया। ये एंट्री 30,000 से होगा, और केएम में आप लिखोगे बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स 30,000। और क्या होगा ये बता दो मुझे, 1 जनवरी को डाउन पेमेंट का एंट्री होगा। तो डाउन पेमेंट स्टोरी लाइन याद रहना चाहिए, डाउन पेमेंट कितना दे रहा है कितने का डाउन पेमेंट है, एंट्री बोलो। आपको यदि डाउन पेमेंट कर दिया तो आपका क्रेडिटर कौन है, लाइबिलिटीज कौन है, केएम लिमिटेड। पेमेंट कर दोगे तो आपका लाइबिलिटीज खत्म, तो लाइबिलिटीज कैंसिल डेबिट, और आपका एसेट्स डिक्रीज हो गया 7500 से। एकदम बिगिनिंग में तो यही होता है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है बताओ, इंटरेस्ट एक्रूड होता है। तो इंटरेस्ट एक्रूड करने का एंट्री बोलो, इंटरेस्ट कितने पे होगा, तो बोलते हैं जितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था उसी के ऊपर। यू कैन सी 30,000 मेरा शुरू में मैंने खरीदा, और शुरू में मैंने 7500 दे दिया, तो दिस माइनस दिस यानी कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग मेरा कितना है 22,500। तो इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन 22,500, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%। तो फॉर दैट
एंट्री होगा आपका, इंटरेस्ट इज माई एक्सपेंस, तो लास्ट डेट पर 31 दिसंबर 2010 को यू विल राइट बाय इंटरेस्ट कितना आया 3375। अच्छा, इंस्टॉलमेंट अक्रूड होने के बाद नेक्स्ट बोलो क्या करना है आपको, तो इंस्टॉलमेंट देना है, तो इंस्टॉलमेंट दे दीजिए 31 दिसंबर 2010 को टू बैंक। इंस्टॉलमेंट कितने का देंगे, तो बोला है कि बैलेंस अमाउंट शुड बी पेड इन 3 equal annual installments टूगेदर विथ इंटरेस्ट। तो आप बैंक कितना दोगे, तो बचा हुआ देखो बैलेंस अमाउंट था 30,000 - 7,500 और 3 installments में चुकाना है, तो डिवाइडेड बाई 3 तो 7,500, तो 7,500 प्लस इंटरेस्ट भी देना है 3375, टोटल कर देंगे तो कितना हो गया 10,000। टू बैंक 10,875। अभी हमारा क्या बच गया, कहानी याद रहना चाहिए खाली, तो भाई मोटर कार मोटर्स के ऊपर अपने को क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना बचा हुआ है, तो ये कौन सा प्रॉब्लम वाली बात है, ये तो इजीली होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहा है डेबिट और एसेस को कम कर दीजिए, तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेट कितना है 25% ऑन 30,000 इज इक्वल टू 7,500 ही आया, और क्या बचा, तो बोला डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे, भैया ओपन ही नहीं किए तो क्लोज कहाँ से करें, मतलब लेजर नहीं खोले हैं, तो दैट्स वाई उसका कुछ नहीं करना। अब आप सिंपली उठाइए और इसे बैलेंस कर दीजिए, एसेट्स बैलेंस होगा एंड दिस इज इक्वल टू कितना 22,500, यहाँ पर 1,111 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। अभी इसको भी बैलेंस कर देंगे अपने KM लिमिटेड को, और KM लिमिटेड में बैलेंस करके जो आएगा वो लिखेंगे, कितना बैलेंस आ रहा है 15,000, कितना आ रहा है 15,000, तो 1,111 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। सेकेंड ईयर में आ चुके हो आप, और सेकेंड ईयर में क्या बचा है, तो कोई डाउन पेमेंट का बात नहीं है, कोई एसेस एक्वायर्ड करने का बात नहीं है, बट इंटरेस्ट अक्रूड होगा, इंटरेस्ट अक्रूड कितने पे होगा 15,000 के ऊपर होगा, तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट अक्रूड हो रहा है उसका एंट्री 31 दिसंबर 2011 क्या होगा बोलो, बाय इंटरेस्ट 2250, इंटरेस्ट रेट 15% है 15,000 के ऊपर 2250। अभी 31 दिसंबर 2011 आप पेमेंट करोगे टू बैंक, कितना पेमेंट करोगे, तो बोलते हैं कि एक प्रिंसिपल देना था 3 installments में, तो 7,500 प्रिंसिपल प्लस 2250 इंटरेस्ट मिलाकर देना है 9,750, और एक बैलेंस रह जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 7,500 बैलेंस रह गया 1,112 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500। अब इसके अलावा आपका इस साल में जो इलेक्ट्रिक मोटर्स है वो डेप्रिसिएशन तो करोगे ना, तो बाय डेप्रिसिएशन 22,500 का 25% 5,625। अभी क्या बचा आपका, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,875 और 1,112 में आप लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,875
और अभी नेक्स्ट ईयर में आ गए हम लोग, तो नेक्स्ट ईयर में आप इंटरेस्ट यूजुअल वे में आगे बढ़ो, तो बोलते हैं इंटरेस्ट 31 दिसंबर 2012 बाय इंटरेस्ट आप 7500 के ऊपर 15% के रेट से इंटरेस्ट निकालो, 1125 इंटरेस्ट, और 31 दिसंबर को हमने पेमेंट नहीं किया है, नहीं किया तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन डेप्रिशिएशन तो करेंगे ना, डेप्रिशिएशन तो करेंगे, सो 31 दिसंबर 2012 बाय डेप्रिशिएशन 16875 पे 25% के रेट से डेप्रिशिएशन 4219 सरेंडर किस दिन किए हैं वो देख लो, तो इसका मतलब है इस दिन कुछ करना नहीं होगा, आपको सीडीबीडी करके आगे लेके जाना होगा, डेट का ख्याल रखना होगा, इसीलिए मैंने देखा एक दिन का फर्क है तो आपको सीडीबीडी करके अगला डेट पर रात भर इंतजार करना होगा, जो भी है कल सुबह आपका गाड़ी छीन लिया जाएगा, सॉरी मोटर, तो दैट्स वाई सुबह होने ना दे सॉरी, तो क्या होगा यहाँ पर, हाँ बेटा 16875 माइनस 4219 डिफरेंस बोलो 12656 तो 1113 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12656 अभी इधर इधर में क्या करोगे, कुछ नहीं, पैसा नहीं है, दिए भी नहीं है, कुछ हुआ नहीं, तो 31 दिसंबर 2012 टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल दो कितना, 8625 तो 1113 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8625 अभी क्वेश्चन पढ़ो जो आपने पढ़ा है, क्या लिखा है कि रिपोजिशन इसी दिन हो रहा 1 जनवरी को, और एग्रीड वैल्यू ऑफ रिपोजिस इलेक्ट्रिक मोटर्स कितना बोला, तो बोलते एग्रीड वैल्यू आपने निकाला था किधर को गया, वो उधर ही लिख दिए थे 4320 ये रहा एग्रीड वैल्यू 4320 तो ये जो है ना 4320 आप सोचो ना एसेट्स बेचते हो ना, एसेट्स बेचते हो ना तो बेच के रुपया रियलाइज होता है, तो आपने समझो कि 4320 में बेचा तो क्या होगा, तो बोलते हैं यहां पर होगा 1113 को बाय KM लिमिटेड एग्रीड वैल्यू से 4320 और सरेंडर करने पे लॉस हुआ, लॉस मतलब एसेट्स का वैल्यू कम मिला, इट फेच लेस, तो बाय PNL कितने का लॉस हुआ था वो भी निकाले थे हम लोग 41 अरे ये 4118 तो ये लॉस हो गया, और आपने लॉस का भी एंट्री कर लिया, यहां पर आपको KM लिमिटेड में 1113 को दिखाना पड़ेगा टू इलेक्ट्रिक मोटर्स 4320 बाकी 8625 अगला बोला बाकी का इंस्टॉलमेंट चलता रहेगा, तो वो चलता रहेगा, हमें कुछ बोला नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, हम अभी यहीं पे छोड़ देंगे, हाँ बैलेंस कर देंगे मतलब यहीं पे छोड़ देंगे मतलब बैलेंस करके छोड़ेंगे, तो टू कुछ बोल रहे हो क्या, टू बैलेंस सीडी बोलो बेटा 43 और इसका बैलेंस 4288 ये कैलकुलेटर में ऐसे भी आ जाता,
आप कैलकुलेटर में करोगे ना तो 10,000 इंटू नहीं कितना का मोटर था, एक मोटर कितने का था, हाँ तो 10,000 इंटू 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75 कितना आ रहा, 4 to 2 वही भावनाओं को समझो, अप्रोक्सीमेशन के कारण इधर उधर हो गया, 4 to 1 9 या 4 to 1 8 सीधी सी बात है, 3 में से 2 गया तो 1 ही तो बचा है, तो वैल्यू जो बचा वही रहेगा। आप कोई जादू नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट का कि आप समझ रहे तो निकाल देंगे। अरे 3 गया 2 का सरेंडर हो गया तो 1 तो बचा है ना, तो 1 का वैल्यू डायरेक्ट यदि हम कैलकुलेट करते शुरू से तो यही होता 10,000 × 0.75 × 0.75 × 0.75 वही आके यहाँ पे खड़ा है। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, एग्जाम में लगा कि सही हो रहा गलत हो रहा कैलकुलेटर में मार लिए तो 1 मिनट ही तो लगता है, लेकिन एग्जाम कभी भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए नहीं होता है, एग्जाम हमेशा लिखने के लिए होता है, तो क्रॉस वेरीफाई करने का कोई स्कोप नहीं है। चलिए यहाँ पर आपने किया और आपसे क्या पूछा है एक भी वो भी देख लीजिए, 31 दिसंबर 2012 वाला बैलेंस शीट पूछा, मतलब आपसे बैलेंस शीट इस पर्टिकुलर डेट पर पूछ रहा है, तो इस पर्टिकुलर डेट पर आपका एसेट्स का वैल्यू क्या है 12656 और इस पर्टिकुलर डेट पर आपका अल्टीमेटली वेंडर का बैलेंस कितना है 7500। तो आप क्या करोगे, बैलेंस शीट लिखोगे, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 12 ब्रैकेट में लिख देना एक्सट्रैक्ट और बैलेंस शीट में यू विल राइट क्या लिखोगे, तो बैलेंस शीट में लिखोगे सबसे पहले वेंडर को देना कितना बाकी है 31 दिसंबर को, तो बोल रहे हैं 31 दिसंबर को 8625 देना है, तो आप लिखोगे लायबिलिटी साइड में ड्यू टू वेंडर 8625 और इधर में आप दिखाएंगे इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स हो जाएगा 12656 12656 12656 क्लियर है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इस सम्स में नहीं है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 पर आइए, इजी से सम्स ले रहे हैं ना, 2 मिनट वाला 5 मिनट वाला है ना, कोई बहुत अभी लंबा सम्स में हाथ लगा देंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, फिर जेवीएस वाले लोग चिल्लाएंगे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 शुरू में जो था ये वाला सम्स करना आप लोगों को, कैश प्राइस निकालना है, पढ़ो, ए कंपनी परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज सिस्टम एज पर टर्म्स ही इज रिक्वायर्ड टू पे 70,000 डाउन 53,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 49,000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड 55,000 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कैश प्राइस ऑफ द ट्रक एंड द इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। अरे तो वही है जो शुरू में हम लोग किया था आज, नहीं मजा नहीं है इसमें, होमवर्क ये वाला होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अभी करो, नो होमवर्क अभी, खाली होमवर्क, फाकीबाज लोग घर में पढ़ता नहीं है और बोलता होमवर्क अभी करो। ऐसे भी तुम लोगों को ज्यादा समय नहीं दे सकता, नीचे का माहौल ठीक नहीं है, अब इस एरिया का बिगड़ चुका है, झमेला का माहौल नहीं है, बिगड़ने का माहौल है, एरिया का असर एक तो है, बगल में इंस्टीट्यूशन है, ठीक है,
नाम नहीं लेंगे, हाँ जो भी आप लोग ले रहे वही वाला क्या कॉलेज है? अच्छा हाँ, हाँ कोई बोल रहा है कि जवानीपुर कॉलेज है ये तो नालायक, बिगड़ जाने का चांस ज्यादा है। वहां के हैं भी बच्चे? कौन कौन है वहां का? ये देखो ये लोग कितने जवान दिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। अरे आज के समय में टॉप पे चल रहा है भाई, प्राउड फील होना चाहिए कि आप लोग भवानीपुर में पढ़ रहे हो, क्योंकि एटलीस्ट जेवीएस में कुछ है नहीं, ठीक है, पढ़ाई के अलावा लाइफ खराब है। इसमें तो उमंग होता है ना भाई, मन में तरंग होता है ना थोड़ा, तो उमंग है, तरंग है और जीवन एक कटी पतंग है। कर लो क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से और घर जाओ इसके बाद होमवर्क लेके। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फाइनल होमवर्क, घर जाना है। टीवीएम यूज नहीं करना है, हो गया? नहीं 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 करना बेटा, शॉर्टकट नहीं चलेगा।
देख लीजिए सम्स में कुछ था नहीं। टू फाइव नाइन सेवन सिक्स बोल रहा है, हम नहीं जानते हैं, हम तो बता दिए कि हाँ ठीक है यही आ रहा होगा, टीवीएम मार के बैठा होगा। अभी 6000 ये लास्ट इंस्टॉलमेंट सर में से स्टार्ट करते हैं ना, जब रेट गिवेन होता है और इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है ये, तो 6000 हमारा दैट इज रिप्रेजेंटिंग 105%, क्योंकि 10% पा रहा ना मैं, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा 5%, तो डिवाइडेड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटरेस्ट एलिमेंट आ गया, कितना है पहला में 286, तो प्रिंसिपल एलिमेंट आ गया 5714 और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग यहां पर हो गया 5714। यहां पर आपका क्या होगा, ये 6000 और ये 5714 ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 11714 इज रिप्रेजेंटिंग 105। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटरेस्ट एलिमेंट आ गया एंड सो ऑन। वही चीज तो था, केवल मैंने इस सम्स में क्या किया, इस सम्स में हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कर दिया, तो आपको रेट डिवाइड करना था। ये तो आप वहां पे भी करते हो, टीवीएम में भी करते हो, रेट को कन्वर्ट कर लेते हो टाइम बेसिस पर, तो आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वहां पे क्या हो जाता है, रेट वहां पे फैक्टर हो जाता 1.05 यदि टीवीएम यूज करते तो। कौन जा रहा था सही रास्ते आप लोगों में से, ऐसे ही सभी तो कंप्लीट कर लेंगे, अब तो कोई डाउट नहीं है इसमें, मैंने बता दिया। अभी होमवर्क लिखने का, होमवर्क में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम से करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 9 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इधर सामने से आप करेंगे, मतलब कि जो प्रॉब्लम है अपना वहां से करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड 8, 7, 8, 6 क्यों छोड़ रहा हूं, 8 तक पूरा 1, 2, 8 नहीं 1 से लेकर 8 तक, नहीं तो कुछ लोग वो भी ब्रेन लगा लेंगे, आपने कहा था 1, 2, 8 तो मैंने 1 नंबर किया, 2 नंबर किया, 8 नंबर किया, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।